ये वाला कर लेना, इम्पोर्टेंट है जब इनकरेक्ट वैल्यूज गिवन हो। क्या हो, कभी कभी क्या होता है, ये तो आपका DIY है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग है, छोटा सा क्वेश्चन है। इनकरेक्ट वैल्यू हो तो गया सर, इनकरेक्ट लिखना चाहता था। इनकरेक्ट वैल्यूज अगर गिवन है तो क्या होगा, ध्यान से देखना। द कोफिशियंट ऑफ रैंक कोरिलेशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट्स वॉज फाउंड टू बी 0.8। इट वॉज लेटर डिस्कवर्ड दैट द डिफरेंस इन रैंक्स इन टू सब्जेक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय वन ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज रॉन्गली टेकन एज 7। द डिफरेंस R1 माइनस R2 वॉज रॉन्गली टेकन एज 7 इंस्टेड ऑफ 9। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन क्या होता है, 1 माइनस 6 सिग्मा D² अपॉन N। आपको ये गिवन है, रैंक कोरिलेशन गिवन है, नंबर ऑफ पेयर आपको एन गिवन है ना, तो ये निकल सकता है 6 सिग्मा D² पहले निकाल लें, फिर सिग्मा D² निकल सकता है, तो सिग्मा D² आ गया, मतलब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिविएशन किसका टोटल है, स्क्वायर ऑफ डिविएशन का टोटल आ गया। अब वो क्या है, इनकरेक्ट टोटल है, हमने करा था ना इनकरेक्ट मीन, याद है इनकरेक्ट मीन, तो इनकरेक्ट वैल्यू माइनस कर दो, करेक्ट वैल्यू ऐड कर दो। सेम यहां पे है, आपके पास इनकरेक्ट टोटल है, आप इनकरेक्ट डिविएशन का स्क्वायर माइनस कर दो, करेक्ट डिविएशन का स्क्वायर ऐड कर दो। तो 7 गलत वैल्यू थी ना, तो आपने तो 7 स्क्वायर लिया होगा, तो 7 स्क्वायर माइनस कर दो, 9 स्क्वायर प्लस कर दो। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, पहले आप D² निकालो, फिर जो सिग्मा D² आया, सिग्मा D² उसमें माइनस कर दो इनकरेक्ट वैल्यू का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर प्लस कर दो। तो यही है स्टेप्स कि पहले आप यहां पहुंचेंगे सिग्मा D² पे, फिर सिग्मा D² में माइनस कर देंगे 7 का स्क्वायर, प्लस कर देंगे 9 का स्क्वायर। इतना सा कॉन्सेप्ट है इनकरेक्ट वैल्यूज का, बस यही वाला करना, ठीक है ना, बस यही वाला करना, मतलब जस्ट रीड बाकी जस्ट रीड, यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और स्पेसिफिकली पूछ लेना यार एक बार कि इनकरेक्ट वैल्यू, ये तो कर ही लेना, फिर पूछ लेना इनकरेक्ट वैल्यूज आ सकता है कि नहीं आ सकता, मर्जी है, ये करना जरूर, लेकिन छोटा सा है, 2 मिनट का कॉन्सेप्ट है।